उदाहरण 5। भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है और पी से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो झंडे के डंडे की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। हल। आकृति में ए बी भवन की ऊंचाई है, बी डी झंडे के डंडे की लंबाई है और पी दिया हुआ बिंदु है। ध्यान दीजिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज पी ए बी और पी ए डी है। हमें झंडे के डंडे की लंबाई यानी बी डी और बिंदु पी से भवन की दूरी यानी पी ए पता करना है। चूँकि हमें भवन की ऊंचाई ए बी पता है, इसीलिए पहले हम समकोण त्रिभुज पी ए बी लेंगे। यहाँ टेन 30 अंश बराबर, हम जानते हैं कि टेन थीटा जो है वो लंब बटा आधार होता है। तो लंब यहाँ पे है ए बी और आधार है हमारा पी ए, यानी टेन थीटा का मान हम जानते हैं कि ये होता है एक बटा वर्गमूल 3 बराबर। ए बी की जो लंबाई है, जो भवन है उसकी लंबाई हमारे पास 10 दी हुई है बटा पी ए, इसीलिए पी ए तिर्यक गुणा करेंगे, हम पी ए का तिर्यक गुणा करेंगे बाएं पक्ष पर बराबर वर्गमूल 3 का तिर्यक गुणा दाएं पक्ष में करेंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। इस तरह से हमने पी ए की लंबाई ज्ञात की, इसीलिए पी से भवन की दूरी दस वर्गमूल 3 मीटर है। आइए अब हम यह मान लेते हैं कि बी डी बराबर एक्स मीटर है तथा ए डी बराबर ए बी धन बी डी, चूँकि हमें मालूम है कि ए बी जो है हमारा 10 है 10 मीटर, धन बी डी को हमने एक्स मीटर माना है। तो ए डी की कुल लंबाई 10 धन एक्स मीटर होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज पी ए डी में टेन 45 अंश लेंगे हम, टेन 45 अंश बराबर
टेन का मान, फिर हम टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसमें हमारा जो लंब होगा वो ए डी लंब है और आधार हमारा पी ए है। अब ए डी का जो हमने मान अभी ज्ञात किया था 10^(x)मीटर ज्ञात किया था, और पी ए का मान हमने 10^3 निकाला था। अब हम जानते हैं कि टेन 45° का मान 1 होता है बराबर 10^(x)/10^3, या अब हम 10^3 का तिर्यक गुणा करेंगे बाएं पक्ष पर, तो 10^3 को 1 से गुणा करेंगे तो 10^3 = 10^(x). 10 का पक्षांतर करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा x = 10 √3 - 10 या x = 10 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो कोष्टक में 3√1 कोष्टक बंद। तो x का मान 10 कोष्टक में 3√1 कोष्टक बंद मीटर होगा। अतः झंडे के डंडे की लंबाई 10 कोष्टक में 3√1 मीटर है। तो यह इस उदाहरण का हल होगा। उन्नयन कोण का ऊंचाई एवं दूरी से संबंध हम देख चुके हैं। हमने देखा था कि उन्नयन कोण का मान वस्तु की ऊंचाई के बढ़ने के साथ बढ़ता है तथा वस्तु की प्रेक्षक से दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है। आइए इन कथनों पर आधारित उदाहरणों को हल करें।